दोस्तों नमस्कार, एसएससी जोन में आपका स्वागत है। द हिंदू डेली वोकैब्स की श्रृंखला में जो हम आपको रेगुलर सेम टाइम पर 7 बजे मॉर्निंग में वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, आज का हमारा 19 सितंबर 2018 का वीडियो है। आज का हमारा वीडियो शुरू करने से पहले थॉट ऑफ द डे, योर बेस्ट टीचर इज योर लास्ट मिस्टेक। आपका जो सबसे अच्छा गुरु है वो आपकी अंतिम गलती है, तो आप अपनी अंतिम गलती से सीख लें और उसे सुधारें और भविष्य में जो गलतियां हैं उनको कम करें, और हर अंतिम गलती आपको एक नया सबक देती है। इसी विचार के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आता है इसको लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा बहुत मनोबल बढ़ाता है और हमें नए वीडियोज बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों आज का जो हमारा वर्ड ऑफ द डे है वो है एस पर्सन, ASPERSON, एस पर्सन। इस पर्सन को जो हम एक्सप्लेन करेंगे तो आएगा एन अटैक ऑन रेपुटेशन और इंटेग्रिटी ऑफ समवन और समथिंग। किसी की छवि, किसी के व्यक्तित्व, किसी के नैतिकता पर जब प्रहार किया जाता है तो उसको इस पर्सन कहते हैं। तो किसी की छवि, नैतिकता, व्यक्तित्व पर जब प्रहार करते हैं तो उसको हिंदी में कलंक कहते हैं। तो इस पर्सन का जो शाब्दिक अर्थ निकलेगा वो निकलेगा कलंक। ये था हमारा आज का वर्ड ऑफ द डे। अगला वर्ड हमारा है मलाइन, MALIGN। मलाइन को जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो आएगा टू से और राइट बैड थिंग्स अबाउट समबडी और समथिंग पब्लिकली इन एन अनफेयर मैनर। किसी के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में या किसी संस्था के बारे में कुछ गलत कहना या गलत लिखना सामाजिक स्तर पर पब्लिकली किसी गलत मैनर के साथ क्या कहलाता है? घातक। तो मलाइन का वर्ड जो यूज किया जाता है वो घातक के लिए कहलाता है। जो बैड चीजें सामने वाले के लिए घातक सिद्ध होती हैं, मलाइन का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो क्या होगा? घातक। कई बार इसको हम घातक बीमारियों के लिए भी यूज करते हैं मेडिकल टर्मोलॉजी में। अगला वर्ड हमारा है इंक्लूसिविटी। जो इंक्लूसिव वर्ड होता है उसी से बना है इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी INCLUSIVITY। इंक्लूसिव मतलब क्या होता है? जो इंक्लूज हो उसको मिलाकर। इंक्लूसिविटी को जब हम एक्सप्लेन करते हैं पता है एन इनिशिएशन ऑफ इंक्लूडिंग पीपल हु माइट अदरवाइज बी एक्सक्लूडेड। लोगों को जोड़ना जो एक्सक्लूड हो सकते थे, तो क्या कहलाएगा? समावेशता। जो समावेशी होता है शब्द उसी से बना है समावेशता। तो इंक्लूसिविटी का शाब्दिक अर्थ निकलेगा क्या? निकलेगा समावेशता। अगला वर्ड जो हमारा है EXPEDITION, एक्सपेडिशन। एक्सपेडिशन क्या कहलाता है? अ लॉन्ग जर्नी फॉर अ स्पेशल पर्पस, एक खास उद्देश्य से की जाने वाली लंबी यात्रा जिसको हम खोज यात्रा कहते हैं। तो एक्सपेडिशन क्या होता है? खोज, किसी वस्तु या किसी अन्य रहस्य के खोज में की जाने वाली यात्रा को हम एक्सपेडिशन कहेंगे। अगला वर्ड हमारा है क्रेडेंशियल। क्रेडेंशियल जो है CREDENTIAL, क्रेडेंशियल क्या होता है? द क्वालिटीज एक्सपीरियंस दैट मेक समबडी सुटेबल फॉर समथिंग। वह गुण या वह अनुभव जो किसी व्यक्ति को किसी चीज के लिए योग्य घोषित करता है, तो वह जो विशेष गुण है वह क्रेडेंशियल कहलाता है। जो क्रेडेंशियल है वो विशेष गुण के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि कोई क्रेडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है मतलब वो विशेष गुण रखने वाली संस्था है, ठीक है। अगला वर्ड हमारा है बिगट, BIGOT। एक्सप्लेन करेंगे तो आएगा अ पर्सन विद वेरी स्ट्रांग अनरीजनेबल बिलीफ और ओपिनियन एंड हु विल नॉट लिसन और एक्सेप्ट एनी डिफरेंट ओपिनियन। एक ऐसा व्यक्ति जिसका एक बहुत ही मजबूत विश्वास है, मत है किसी बिना रीजन के, बिना तथ्य के, और वो किसी दूसरे विचार को स्वीकार नहीं कर सकता है, ऐसा व्यक्ति कट्टर कहलाता है। तो बिगट का वर्ड जो है वो यूज किया जाता है कट्टर के लिए। नेक्स्ट वर्ड हमारा फ्रॉन, FROWN। फ्रॉन को एक्सप्लेन करेंगे तो आएगा टू सो वेरी एंग्री बाय मेकिंग लाइंस अपियर ऑन फॉरहेड अबव ऑन द नोज। किसी व्यक्ति को गुस्सा दिखाना, कैसे अपने माथे पर
रेखाएं अंकित करके सर चढ़ा करके, तो उसको हिंदी में बोलते हैं त्योरियां चढ़ाना। तो फ्रॉन का जो शाब्दिक अर्थ निकलता है वो निकलता है त्योरियां चढ़ाना। अगला वर्ड हमारा डिटेंशन, DETENITION, डिटेंशन। डिटेंशन का जो एक्सप्लेनेशन है वो है द एक्ट ऑफ स्टॉपिंग अ पर्सन लिविंग अ प्लेस, किसी व्यक्ति को रोकना किसी जगह से भागने से। मुख्य रूप से नजरबंदी के लिए इस वर्ड का यूज किया जाता है। यहां पर ये नजरबंदी लिख गया, नजरबंदी पढ़ेंगे तो नजरबंदी जिसको जेल में नहीं रखना है बल्कि जेल के बाहर व्यक्ति पर नजर बनाए रखना है कि वो देश छोड़कर के आज जो इस जगह पर रह रहा है उस छोड़कर ना जाए, डिटेंशन कहलाता है, नजरबंदी कहलाता है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है सैक, SACK। सैक क्या होता है? अ लार्ज बैग फ्रॉम हैवी रफ मटेरियल यूज्ड फॉर कैरिंग और स्टोरिंग थिंग्स। एक बड़ा बैग जो कि बहुत हैवी और रफ मटेरियल का बना हो, खुरदरे मटेरियल का बना हो और उसका यूज किया जा रहा हो चीजों को रखने और ले जाने के लिए, तो क्या होता है? बोरा, जिसको हम बोलते हैं बोरी या बोरा, जिसमें हम चीजें रखते हैं उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, वो सैक के लिए यूज किया जाने वाला वर्ड है। अगला वर्ड हमारा रिबेल, REBEL। रिबेल क्या होता है? अ पर्सन हु फाइट अगेंस्ट हिज और हर कंट्री गवर्नमेंट बिकॉज ही और शी वांट्स टू चेंज। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने ही सरकार के विरुद्ध हो क्योंकि वह परिवर्तन चाहता है, क्या कहलाता है? सत्ता विरोधी या राष्ट्रद्रोही, राजद्रोही भी इसको बोल सकते हैं। सो दोस्तों, ये हमारे आज के 10 महत्वपूर्ण वोकैब्स थे जिनको आपने बहुत ही कम समय में सीखा, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सीखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करें, कमेंट करके मैं जरूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतना ही अन्य छात्रों तक इसका लाभ पहुंचेगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको भी चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है। हमारी अन्य श्रृंखलाएं जो चल रही हैं उनके रेगुलर अपडेट्स के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। और इस वीडियो के कार्ड पर एनोटेशन पे यहाँ पर जो फिगर में आ रहे हैं वीडियोस उन पर क्लिक करके आप लिंक प्राप्त करके वहां से भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।